जय गुरुदेव, जय माँ सहना भवतु। स्वागत है दर्शकों आप ही के शो दिशा दशा दृष्टि में। जैसे हम आपको हर रोज नए नए लोगों से मिला रहे हैं, आज भी हमारे साथ उदुम्बरा गेसु जी हैं हमारे स्टूडियो में। पिछली बार उन्होंने हमसे नाभि चिकित्सा, नाभि चेतना के बारे में बात की थी। तो स्वागत है आपका उदुम्बरा जी, वेलकम वंस अगेन। एंड आज हम आपसे सीखेंगे कि ये नाभि चेतना जो है ये अभी क्यों आ रही है और अभी क्यों इसका इतना इम्पोर्टेंस हमें दिख रहा है। जी, ये बात मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। जैसे कि हम बहुत सारे भारतीय इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं युगों के बारे में, कि अलग अलग युग आते हैं और अलग अलग युगों की अलग अलग क्वालिटी होती है। कलयुग की अपनी एक क्वालिटी होती है और क्वालिटी ये होती है कि कलयुग में आपसे नाभि के बारे में, नाभि की जो चेतना है उसकी इन्फॉर्मेशन विड्रॉ कर ली जाती है, तभी वो कलयुग बनता है। कलयुग को हम जानते हैं एक ऐसा टाइम जहाँ पे बहुत अंधकार होता है, बहुत ही केओस होता है, बहुत मुसीबतें होती हैं, बहुत बीमारियाँ होती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अचानक ये सब क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? ये पूरा एक ब्रह्मांड जो है ये एक बहुत ही एफिशिएंट मशीनरी की तरह है। इसमें कोई ऊपर बैठकर कठपुतलियाँ नहीं नचाता, इसकी एक अपनी रिदम होती है और सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड जो है अपने रिदम पे चलता है। तो कलयुग भी अपने ही रिदम पे चलता है। कलयुग में जो जन्म लेने वाले लोग हैं उनसे नाभि चेतना का जो इन्फॉर्मेशन है वो विड्रॉ की जाती है। तो कलयुग में मुसीबतें, बीमारियाँ ये सब इसीलिए होती रहती हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक कमरे में पूरा लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है और आप एक बल्ब का फिलमेंट निकाल दीजिए। अब लाइटिंग सिस्टम तो लगा हुआ है, फिलमेंट आपने निकाल दिया, बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा नहीं, पूरे रूम में अंधकार है। अब इस पूरे रूम में जो अंधकार है, आप जाकर अलग अलग फर्नीचर के साथ ठोकरे खाएंगे, कोशिश करेंगे देखने की, कोशिश करेंगे ये फाइंड आउट करने की कि इस रूम में क्या क्या है। अगर लाइट जल रही होती तो आपको एक सेकेंड में पता चल जाता कि रूम में क्या है। लाइट जल नहीं रही थी इसलिए आपको एक घंटा लगा ये जानने में कि रूम में क्या क्या है, और आप अभी भी कंफर्म नहीं है कि जो आपने सोचा है वो वैसा है या नहीं। ये एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कलयुग को डिस्क्राइब करने का। कलयुग में इंसान की जो चेतना होती है वो अंधकार में होती है और वो जो भी खोजता है, जो भी करता है, उसमें एक स्ट्रगल इन्वॉल्व होता है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है आपने कलयुग का और जो रूम के बारे में बताया, तो उसके लक्षण क्या है, कलयुग के लक्षण क्या होते हैं? कलयुग का सबसे पहला लक्षण तो है अंधकार। अंधकार का मतलब क्या है? अंधकार का मतलब है कि कलयुग पे जितने भी लोग हैं उनको अपना दृष्टिकोण सबसे सही लगता है, ये सबसे बड़ा अंधकार है। ये इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें सितारे भी अलग अलग हैं, घास के छोटे छोटे पत्तों से लेकर कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसान, इंसान का मन, उसकी अलग अलग भावनाएं, सब कुछ इतना यूनिक है। लेकिन फिर भी एक इंसान ही है जो अपने दृष्टिकोण को लेकर एकदम पत्थर बांधे हुए है कि यही सही है और कुछ सही नहीं है। तो हम उस भगवान को भी जब खोजते हैं, उस खुदा को भी खोजते हैं, तो अपने अपने रास्ते से खोजते हैं, लेकिन उसी रास्ते को सही रास्ता मान के उस जिद पर जो अड़े हुए हैं कि वही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। ये जो अपने दृष्टिकोण को एकदम पत्थर की लकीर मानना है, ये कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण है। क्योंकि आप एक्सपेंसिव नहीं है, आप इंक्लूसिव नहीं है, आपको सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप सबके दृष्टिकोण को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप, हर एक इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएगा, रास्ता कोई भी ले ले, इस दृष्टिकोण को नहीं यूज़ करते हैं। आप ये दृष्टिकोण यूज़ करते हैं कि मेरा ही रास्ता सही रास्ता है। ये कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण है। कलयुग का दूसरा लक्षण है जिद। ये तो हम सब जानते हैं, अलग अलग तरीके से जिद करना, अलग अलग चीज़ों पर जिद करना, चाहे आप वो धार्मिक विषय पर जिद करें, चाहे आप एक पर्सनल विषय पर जिद करें, लेकिन जिद का होना, रिश्तों में जिद का होना, दृष्टिकोण में जिद का होना, किसी बात में जिद का होना, ये कलयुग का दूसरा लक्षण है। कलयुग का तीसरा लक्षण है मजबूरी, हेल्पलेसनेस। मजबूरी कभी कभी एक अजीब और गरीब सी मजबूरी होती है और इंसान उस मजबूरी में सदियां बिता देता है, पुश्तें बिता देता है, और वो ऐसे कुछ रस्मों रिवाज पालता है
ऐसे कुछ दृष्टिकोण पालता है कि वो करता चला जाता है और उसको इतना वक्त लग जाता है ये सोचता भी नहीं कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके बारे में भी दूंगी। जैसे आप इंडिया के एक गरीब स्तर के इंसान को भी देखेंगे, इतनी डीप मेहनत करता है वो इंसान कि उसको देखकर हमारा सीना दहल जाता है कि कितनी मेहनत हो रही है। खाने को कुछ नहीं है लेकिन मेहनत बहुत है। इसी इंसान से आप पूछेंगे कि आप ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, पैसा जमा क्यों कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हमको अपनी बेटी की शादी करनी। बेटी की शादी में वो लाखों रुपए मेहनत से जमा करके एक पराए आदमी को उसको खुश करने के लिए, उसको रिश्वत देने के लिए लाखों रुपए दे देते हैं, लेकिन उसी बेटी को न पढ़ाते हैं न वही लाखों रुपए उसके अकाउंट के नाम उसके अकाउंट पे रख देते हैं ताकि वो बेटी ही समर्थ हो जाए। और वही बेटी न सिर्फ इनके नसीब को, न सिर्फ अपने नसीब को जगाएगी, अपने माँ बाप के नसीब को जगाएगी। मजबूरी के नाम पे जो रिवाज हम निभा रहे हैं, मजबूरी के नाम पे जो जिद हम निभा रहे हैं, ये भी कलयुग का एक लक्षण है। इसके अलावा कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण है बीमारियाँ। हम लोग हनुमान जी को पूजते तो हैं, हम ये तो सोचते हैं कि जितने हमारे भगवान हैं, जितनी डेटीज हैं, जितनी गॉडेसेस हैं, इन सब को हम पूछते हैं जी। और इनके सुपर पावर को हम पूछते हैं, हम सोचते हैं कि इनका सुपर पावर है, सिर्फ इन्हीं का हो सकता है। क्या आपने कभी सोच के देखा है कि एक आम आदमी के पास भी सेहत का सुपर पावर हो सकता है? अपनी बॉडी के साथ एक कम्युनिकेशन रखना, अपनी सेहत के साथ एक कम्युनिकेशन रखना, सबसे पहले दोस्ती यारी तो अपनी बॉडी के साथ होनी चाहिए। जब तक हमारा अपनी बॉडी पर ही कंट्रोल नहीं, जब तक कि हमारी दोस्ती हमारी बॉडी के साथ नहीं, जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे शरीर में जो घट रहा है वो क्यों घट रहा है, कैसे घट रहा है और उसको कैसे चेंज किया जाए, तब तक हम स्वास्थ्य को समझेंगे कैसे। सबसे बड़ा लक्षण तो है स्वास्थ्य का न होना, बीमारियों का होना। बीमारी का होना मतलब है कि हम कहीं ट्यूनिंग से बाहर हैं। ये जो एक व्हीकल, एक इंस्ट्रूमेंट हमें खुद कुदरत ने दिया है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम अब्यूज करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हम इग्नोर करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इससे हम एक मशीनरी का काम लेते हैं और इस मशीनरी को बिल्कुल घसीटते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, लेकिन इसको हम मंदिर जैसी एक जगह नहीं देते, इसको हम मंदिर जैसे पूजते नहीं। हम बाहर जाके तो पूजते हैं, हम बाहर जाके तो इबादत करते हैं, लेकिन हम अपने खुद इस शरीर की, जिसकी वजह से सब कुछ है, उसकी इबादत नहीं करते, उसको पूछते नहीं, उसको तो ध्यान भी नहीं देते। बहुत सारी जो औरतें हैं वो इस वक्त अपने आप की तरफ ध्यान देकर देखे तो उनको लगेगा कि अपने शरीर को कितना इग्नोर किया है। और फिर जब बीमारियां हो जाती है तो हमें लगता है कि या तो किसी पाप का फल है या तो ऊपर वाला मेहरबान नहीं। ये है लक्षण कलयुग के। तो इस इंफॉर्मेशन का अभी क्या वैल्यू है? इनफैक्ट अभी ही सारा वैल्यू है, क्योंकि अब हम कलयुग से बाहर आ रहे हैं। कलयुग से बाहर आने के बाद हम एकदम से सतयुग में तो जंप नहीं मार सकते। ये ऐसी बात हो गई कि अगर किसी की आंखें नहीं है आप एकदम से उसको सूरज के सामने खड़ा कर दें, तो ये इंटेलिजेंट बात नहीं है। और कुदरत बहुत इंटेलिजेंट है, तो अगर हमने कलयुग में अंधकार को भोगा है तो कुदरत हमें एकदम से उठाकर सतयुग में नहीं डाल देती। कलयुग और सतयुग के बीच में एक प्रेपरेटरी पीरियड होता है, एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारा डीएनए, हमारे सेलुलर मेमोरी, हमारा दिमाग, हमारी न्यूरल पाथवेज जो है, हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, मन का, सोचने का, शरीर का, ये एक चेंज से गुजरता है। इसका चेंज ऐसा होता है कि अंधकार में जो आपको शरीर की और सोच की ज़रूरत थी, उसकी ज़रूरत आपको सतयुग में नहीं है। इसको हम कैसे चेंज करें? अब शरीर तो एक सॉलिडिफाइड चीज है, इसमें सेल्स हैं, सेल्स में मेमोरीज हैं, तो इसको आप ओवरनाइट तो चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने का भी एक पीरियड होता है। और अब धीरे धीरे, क्योंकि हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है लेकिन जा रहे हैं, ये नाभि की जो चेतना है, नाभि चेतना, ये इंफॉर्मेशन, ये विजडम अब कुदरत ने वापस स्लिप कर दी हमारे सर्कल में, हमारे कॉन्शियसनेस में लेकर आ रही है, ताकि अब हम इस चेतना को अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकें, इस चेतना को भी इंटीग्रेट करें। बाकी जो काम हो रहा है कॉन्शियसनेस का पूरी दुनिया में, अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो
इतना वायलेंस है, इतना वॉर है, इतना केओस है हर जगह, लेकिन उसी लेवल पर इंडिविजुअली भी लोग जाग रहे हैं और कलेक्टिवली भी लोग जाग रहे हैं। उतनी ही चेतना का भी काम हो रहा है। इतने सारे बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड और बहुत ही डीप टीचर्स पूरे वर्ल्ड में हैं जो चेतना का काम कर रहे हैं, अलग अलग रूप से लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता ही इसलिए है क्योंकि ये एक प्रेपरेटरी पीरियड है, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है और कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने के लिए उतने ही लोग सामने आ रहे हैं जो कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये प्रेपरेटरी पीरियड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इस प्रेपरेटरी पीरियड में अब हमें हमारे ही शरीर में एक हिस्से को जो हमने आज तक इग्नोर किया है, जिसको आज तक हमने समझा नहीं है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा ही की है, उसकी चेतना को समझने का ये टाइम आ गया है। अब जब चेतना इन्वॉल्व हो जाएगी तो हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, नाभि, हृदय और मस्तिष्क, ये सर्किट कंप्लीट होगा। जैसे ये सर्किट कंप्लीट होगा, हमारी जो जीने की जो पद्धति है, जो सोचने का तरीका है, ये एक बहुत ही अलग इसमें बदलाव आएगा, ऐसा बदलाव जो अभी हमने अपने सपनों में भी नहीं देखा। तो उदुम्बरा जी, ये जो आपने डिस्क्राइब किया उसका एक नाम है जो आप हमें सिखाते हैं, जो बताते हैं, हमारे दर्शकों को भी बताइए प्लीज। जी, कलयुग में हमारे साथ ये जो लक्षण घटते हैं इनका नाम है डेप्रिवेशन ट्रायड। डेप्रिवेशन जो एक इंग्लिश वर्ड है, इसका अगर एक लूज ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाए तो कमी, हर चीज की कमी होना। कमी का एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में इस वक्त अटेंशन दें, फोकस करके देखें, तो चाहे रिश्ते हों, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे दिल का सुकून हो, आपको एक कमी फील होगी, एक कसक फील होगी अपने दिल में कि सब कुछ होते हुए भी कमी है, नहीं है तो भी कमी है। कमी जो है, ये कमी का होना, इसी को कलयुग कहा जाता है और इसको डेप्रिवेशन ट्रायड कहा जाता है। जब कलयुग में इंसान जन्म लेता है और उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है, उस टाइम पे उसके नाभि पर, उसके नाभि का जो केंद्र है, उस केंद्र पर एक बहुत बड़ा एनर्जेटिक शॉक लगता है। अब नाभि से जो आप तक एक सुपरनैचुरल पावर आ रहा था, शॉक लगने की वजह से वो वहीं का वहीं रुक जाता है और उसका ऑपोजिट घटता है। तो अगर बहुत सारी बरकत आप तक आ रही थी नाभि के थ्रू, ज्यों ही शॉक लग गया, उसका ऑपोजिट आ गया, कमी। तो जब हम पैदा ही होते हैं उस टाइम पे एक ट्रायड बनता है, त्रिकोण, सेपरेशन, फियर, लैक। सेपरेशन का मतलब है अलग हो जाना। अब इसका हिंदी में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक फीलिंग कि आप किसी चीज़ से जुदा हो गए हैं। जैसे माँ से एक बच्चा जुदा हो जाता है तो उसके अंदर जो एक कसक रह जाती है, एक चीज़ उसको खटकती रहती है, बिल्कुल डर लगा रहता है, वो जो जुदाई है वो हर इंसान को महसूस होती है। इंसान उसको फिल करने के लिए शादियां भी करता है, बच्चे भी पैदा करता है, रिश्तेदारों की भीड़ भी जमा कर लेता है, भगवान को भी मनाता रहता है, लेकिन वो जो कसक है वो कहीं जाती नहीं, वो दिल में ही रहती है, ये हर इंसान जानता है। तो ये जो दिल में रह जाने वाली कसक है, ये जो कमी है, ये जो अलग होने का भाव है, ये डेप्रिवेशन ट्रायड का सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद है कमी, उसके बाद है डर। जैसे ही आप किसी आप अगर अपनी माँ से छूट जाएं, तो आप एक मेले में हैं, आप अपनी माँ का आपका उनका हाथ छूट गया तो आपको जो डर लगेगा, ये डर का शिकार हमारी पूरी जिंदगी हो जाती है। आप अपनी जिंदगी पर फोकस करके देखिए और देखिए कि आपके रिश्ते हो, पैसा हो, काम हो या कुछ भी हो, कितना कुछ डर से डोमिनेटेड है। सो अलग होने का भाव, डर और उसके बाद कमी, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं त्रिकोण के, डेप्रिवेशन ट्रायड के, इसी से हमारी जिंदगी डोमिनेट होती रहती है और हम सारी जिंदगी इन्हीं तीन एलिमेंट्स से लड़ते रहते हैं। अगर अलग होने के इस भाव से हम लड़ जाते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, तो डर लगा रहता है, कभी मरने का डर लगा रहता है, कभी कुछ खोने का डर लगा रहता है, पा भी ले तो उस पाने के खोने का डर लगा रहता है। ये डर और फिर कमी का भाव, जिंदगी इसी में बीत जाती है।
अब चाहे हम कितनी भी प्रार्थनाएं करें, चाहे हम कितना भी गुहार लगाएं, चाहे हम कितना भी ध्यान करें, ये जो डेप्रिवेशन ट्रायड है ये एक्टिव है। तो प्रार्थनाएं और ये सारी चीजें जो हैं अंदर तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए बिल्कुल इसीलिए आप देख रहे हैं कि हजारों साल से इतने धर्म हैं, इतने मजहब हैं, इतने टेक्निक्स हैं, इतने पीर फकीर आके गए हैं और इतनी खूबसूरत बातें बता के गए, इतना ज्ञान भरा पड़ा है हमारे पास, इतने ज्ञान के बावजूद भी हम इतने डरे हुए, कमी से लदे हुए और इतने बीमार लोग क्यों हैं? ये सवाल हर एक इंसान को अपने आप से पूछना पड़ेगा। ये है डिप्रिवेशन ट्रायड की वजह से। कश्मीरा जी, आपने नोटिस किया है कि आजकल की दुनिया में बिल्कुल जैसे पहले जुकाम हुआ करता था, आज कैंसर फैला हुआ है। जी बिल्कुल, है ना। ये कैंसर इसीलिए फैला हुआ है क्योंकि इंसान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, एक अंदर ही अंदर सुलग रहा है और बीमार फील कर रहा है। बाहर की बीमारी तो बाद में आती, अंदर की जो उसकी सड़न है वो सड़न उसकी सेल्स में उभर के चली आती है, वही सड़न ट्यूमर बन जाती है, वही सड़न कैंसर बन जाती है। और बिल्कुल एक पॉइजन की तरह, जैसे सांप आपको काट देता है तो एक बाहर का पॉइजन है, उससे तो आप फिर भी बच भी सकते हैं, लेकिन जब आपके अंदर का सांप आपको काटता है, जब अंदर की जलन होती है, अंदर का पॉइजन फैल जाता है, तो उससे इंसान उतना नहीं बच पाता। ये कलयुग का और डिप्रिवेशन ट्रायड का एक बहुत बड़ा लक्षण है। ये तो आज हमारे दर्शकों को और मुझे खुद इतना अच्छा लगा है आपकी बातें सुनकर, थैंक यू सो मच। अगर लैक है तो अबंडेंस भी आएगा, तो अगले एपिसोड में हम उदुम्बरा जी से सीखेंगे अबंडेंस के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।